मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी के सियासत की। 7 चरण के मतदान हो चुके हैं, अब ऐसे में कल रिजल्ट आ जाएगा, किसकी सरकार बनने वाली है इस पर सारा मुद्दा अटका हुआ है। अब ऐसे में जो एग्जिट पोल के नतीजे निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को घाटा देखने को मिल रहा है। 400 पार का दावा उन्होंने जरूर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे पर खरी उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो इंडिया गठबंधन की सीटों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। उन सीटों के नाम भी बताएंगे, उससे पहले मायावती भी मैदान में है और मायावती कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है ये भी बड़ा सवाल है। और मायावती की कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी जीत तय मानी जा रही है, खासकर अम्बेडकर नगर की सीट उसमें आती है और कुशीनगर की सीट पर भी मायावती का, मिर्जापुर सीट पर भी काफी दबदबा मायावती का देखने को मिल रहा है। लेकिन साफ तौर पर अभी इन बातों को नहीं कहा जा सकता कि इस बार मायावती मिर्जापुर सीट पर जीत ही रही है, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने इस बार 80 लोकसभा सीटों पर अपने मत प्रत्याशियों को उतार दिया है, तो ऐसे माना जा रहा है कि यूपी में हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से मायावती को 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जो पूरा समीकरण बन रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे जरूर चल रही है, लेकिन इस बार जो सेध मारी की है भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में, कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव उसमें नजर आए, या छोटे छोटे दल के जो नेता है कहीं ना कहीं उनका अहम रोल देखने को मिला है। अब ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हुए नजर आ रहे थे, बार बार पीडीए की बात कर रहे थे, पल्लवी पटेल भी पीडीएम को लेकर कूद पड़ी, ओवैसी भी मैदान में है। ऐसे में छोटे छोटे स्वयं प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, वो भी अपनी राष्ट्रीय शोषित पार्टी को लेकर मैदान में उतर गए। तो ऐसे में ये तमाम जो छोटे छोटे दल हैं कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियों के खेल बिगाड़ते हुए नजर आए, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से, अगर खासकर उनकी बात करें, तो जिस तरीके से कमबैक किया इतने साल बाद, 2007 के बाद मायावती एक्टिव नजर आई और इस बार उन्होंने चुन चुन कर अपने प्रत्याशी उतारे, दलित वोटर्स को कहीं ना कहीं वो साधते हुए नजर आई और दलित वोटर्स उनके साथ पहले से है। और मायावती का जो छवि रही है कहीं ना कहीं एक आयरन लेडी के तौर पर रही है और मायावती लगातार मुख्यमंत्री भी बनती रही हैं, तो ऐसे में उनका जो दबदबा है, जो एक राजनीति करने का तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं बेहद अलग माना जाता है और यही रणनीति कहीं ना कहीं इस बार मायावती को काम करती हुई नजर आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार भी यही एक आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है कि इस बार भी मायावती कम से कम 10 सीटों पर अपनी बढ़त करती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर और रिपोर्ट्स की माने तो मायावती को यूपी में एक भी सीटें नहीं मिल रही है, उनका वो आंकड़ा है, लेकिन हमारे आंकड़े के हिसाब से मायावती को 10 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अब यहीं पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नगीना सीट, जिस पर मायावती पहली बार चुनाव लड़ने मैदान में आई और वहां से उन्होंने जीत दर्ज की, आज उन्हीं सीट पर चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतरे हैं। और अगर एग्जिट पोल का पूरा नतीजा देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद रमन, वो इस सीट से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद वहां से जीत दर्ज करते हैं तो क्या मायावती के साथ उनका गठबंधन होगा या विधानसभा चुनाव में दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि दोनों पिछड़ा दलित की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का जो जनाधार है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मायावती के पास कोई उत्तराधिकारी चेहरा नहीं है, तो क्या वो चंद्रशेखर आजाद को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए नजर आएंगी या फिर आने वाले दिनों में उनके साथ गठबंधन करेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। और मुझे जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रही है, तमाम जो जनता की भी पसंद है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ आ जाएं, तो जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बन रहा है कहीं ना कहीं इसी बात का बन रहा है कि आने वाले दिनों में मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ आएंगे और मिलकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए फाइट करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की जो रंजिश है वो भी खत्म होती हुई नजर आए। फिलहाल देखना यही होगा कि इस बार क्या वाकई में ऐसा कुछ देखने को मिलता है या फिर एकमात्र सपना बनकर रह जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, किस तरीके के समीकरण बनते हुए आप देख रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।